नमस्कार मु प्रभा स्वागत करुच्ची मो चैनल प्रभा किचन विथ ब्लॉग रे। आज मु आपनों को पाई नेकी आसी अंडा चप या खाइबा पाई बहुत टेस्टी लगी था। आपन या को घरे अति सहज रे बनई परिवे तो चालंतु रेसिपी को स्टार्ट करिवा। ता अगरु जदि आपन मो चैनल ले नुआ आसी चंती ताले मो चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबे जहा फल रे मु जते भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करबी आपन पाखरे नोटिफिकेशन पहुंची जीवो। ताले चालंतु रेसिपी को स्टार्ट कर ये देखु अंडा चप बनवाई मुझु सामग्री नहीं जाइपी मुझे गोटे कप बेसन ये पखापाखि 300 ग्राम बेसन हम पांचटी सीझा अंडा नहींच्छे दुईटी सीझा आलु गोटे कटा टमाटो गोटे कटा पियाज दुई चमच अदा रसुण छेचा आपण छेचा ने बहुत भल लगे दुई पिंच नहीं खाइबा सोडा गोटे चमच कसूरी मेथी गोटे चामच जुआणी गोटे चामच हलदी गुंड लंका गुंड नहीं गोटे चामच ये नहीं दुई चामच चाउल गुंड यार टेस्ट बहुत भल आसी थाए गोटे चामच लुण किछि चाट मसला गोटे चामच गरम मसला। तो चालंतु एबे आमे स्टार्ट करिबा। देखंतु एबे गोटे बाउल रे रखिथिबा सिझा आलु को नहीं जाइछि एवं ताको गोटे मैशर साहाय्य रे मैश कर नहींछि। देखंतु आलु को भल भाव मैशर साहाय्य रे मैश करने बे नहले हाथ रे भी आपण चाहिले मिसेई पारिबे। देखंतु मो हाथ रे मिसेई नै जाउ थरे एबे मुटे फ्राइंग पैन ले 2-3 चम्मच रिफाइन तेल नै जाई छी एवं तेल जेबे गरम हे जाई छी सेथिरे मु जीरा नै जाई छी जीरा आधा चम्मच दे छी। जीरा जेबे फुटी आसीबो रखिथिबा कटा प्याज को दे दबा एवं प्याज को नाली हवा जाय भाजीबा। देखंतु प्याज मोर नाली हे जाई छी सेथिरे मु आधा चम्मच हळदी गुंड आधा चम्मच लंका गुंड ओ आधा चम्मच कसूरी मेथी को दे दै छी। यहाँ को भल भाव आउ थे मिसई नवा गैस फ्लेम को आपण ये लो करेंगे नहले मसला आमर जलीजी ए रखि छेचा अदा रसुण को देद आल भाव मिसई नवा ए रखि कटा टमाटो को देद से गोटे चामच लुण देद भल भाव मिसईद टे पा देजे आमर जो टमाटो जल्दी सीझीजी। टमाटर आमर हो गला एमें रखि जो चकटिक रखि आलु साकूद भल भाव मिसईद देखु आलु मसला आमर हो गला मुझे रखि आधा चामच गरम मसला गुंड देदेवी आउ थे भल भाव मिसईद सैड्रे रखिद बे मु आ गोटे मिक्सिंग बाउल नहीं जाइए बेसन रखि चाउल गुंड जुआणी चाट मसला गरम मसला गुंड खाइबा सोडा लुण एवं अदा रसुण छेचा लंका गुंड हलदी गुंड ए सब कु देखिए भल भाव मिसईद एबे मु सेथिरे अल्प अल्प करके पानी देवी नहले बेटर आमर अधिक पानिया हो जीवो आकु आमको बेसी पानिया करिवानी कि बेसी मोटा करिवानी। देखंतु आमर कंसिस्टेंसी एतिके ही दरकार आमको। एबे मु रखिथिबा अंडा को दुई फाळरे काटि नेबी। देखंतु सब अंडा को आमे एमती दुई फाळरे काटि नबा एबे मु रखिथिबा आलु मसला को ए अंडा रे कोट करने भी आपण चाहिले पूरा अंडा को मध्य आलु मसला रे कोट करि परिबे। देखंतु एमिति गोटे 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 करी सब आलु मसला एमिति अंडा को कोट करनबा। देखंतु मु सब अंडा रे आलु मसला को कोट करने छी एबे गोटे कढ़ाई रे मो पाखा पाखी 400 ml रो रिफाइन तेल नै जाई छी एथिरे आमे गोटे गोटे करके रखिथिबा अंडा को बेसन रे डुबेई फ्राई करनबा। आमे याकु 2-3 मिनिट पई एमिति लो मीडियम फ्लेम रे फ्राई करनबा एवं ताकु लेउटे दबा
देखु आमर दुई साइड एवं अंडा चप हो सारी एमें बाहर को बाहर कर नवा गोटे प्लेट्रे यपर भाव में आम रखि सब अंडा को आम छाणि नवा देखु ये भी हो गला आम प्लेट को बाहर कर नवा देखु आमर अंडा चप एकदम रेडी जाइए मुझे आपन को काटिक देखी देखु कते सुंदर देखा आपण यह टमाटो सॉस किंबा किसी भी चटनी सहित सर्व करेंगे आपन को बहुत भल।